हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ किड्स लंच बॉक्स आइडियाज। और ये जो भी लंच बॉक्सेस हैं वो हम विंटर में जो वेजिटेबल्स आती हैं उनको इंक्लूड करके बना रहे हैं। तो ये काफी हेल्दी है, न्यूट्रिशियस है और बच्चे जो नहीं खाते उन्हें हम इसमें बहुत ही मैजिकल वे में उन्हें खिलाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट रेसिपी है जुकीनी पैनकेक। जुकीनी पैनकेक बनाने के लिए हम यहाँ पर 2 बड़े चम्मच ले रहे हैं राइस फ्लावर, यानी कि चावल का आटा। साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे 2 बड़े चम्मच मैदा, यानी कि ऑल पर्पस फ्लावर। आप इसमें से सिर्फ राइस या फिर सिर्फ मैदा यूज कर सकते हैं, मैं यहाँ पर दोनों डाल रही हूँ, या फिर आप इसे सूजी के साथ भी बना सकते हैं। यहाँ पे मैंने जुकीनी ली है जिसे मैंने पील नहीं किया है, स्किन के साथ इसे ग्रेट कर लिया है वॉश करके, और इसे बिल्कुल बारीक बारीक ग्रेट किया है। इसे हम इसमें ऐड कर देंगे और आप ध्यान रखें कि जुकीनी अच्छी क्वांटिटी में हो तो ही इसका टेस्ट अच्छा आता है। साथ ही इसमें हम नमक ऐड कर देंगे। थोड़ी सी चिली फ्लेक्स, ये बच्चों के लिए बना रहे हैं तो थोड़ा सा कंट्रोल में ही डालेंगे इसे। साथ ही ब्लैक पेपर को क्रश करके डाल रहे हैं इसमें। थोड़ा सा हम डालेंगे इसमें चाट मसाला, क्योंकि चाट मसाला बच्चों को बहुत पसंद आता है तो उसका फ्लेवर इसमें काफी अच्छा आएगा। साथ में मिक्स हर्ब डाल रहे हैं और अब इन सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि जो भी मॉइस्चर इसमें है वो आटे में मिक्स हो जाए अच्छे से। और अब इसमें हम 1/4 कप डालेंगे पानी। आप थोड़ा थोड़ा करके डालिएगा क्योंकि हमने इससे बहुत रनी बैटर नहीं बनाना है, थोड़ा सा थिक रहे ये पहले, और जैसे ये थोड़ा सा रेस्ट करता है, ये थोड़ा सा पानी छोड़ता है तो ये नॉर्मल हो जाएगा हमें पैनकेक बनाने के लिए। तो इसे हम थोड़ी देर रेस्ट करने रखेंगे। हमने एक पैन हीट अप करने रखा है, उसे ऑयल से ग्रीस कर लिया है। जैसे ये हीट अप होता है, ये देखिए हमारा बैटर भी बिल्कुल रेडी है। हम 1 बड़ा चम्मच इसमें लेंगे बैटर को और इस तरह डालेंगे इसमें। बहुत ज्यादा स्प्रेड नहीं करना, जस्ट प्रेस करना है और इस तरह छोटे छोटे पैनकेक्स हम बनाएंगे। जैसे ही ये पैनकेक तरफ से रेडी हो जाते हैं इन्हें हम फ्लिप कर लेंगे और इसे बिल्कुल हल्की आंच पे रेडी करेंगे ताकि जो ये थिकनेस इनकी थोड़ी ज्यादा है तो ये अंदर से भी अच्छे से कुक हो जाएं। दूसरी साइड पे भी हल्का सा ऑयल हम डालेंगे और ये दोनों अच्छे से कुक हो जाएं दोनों तरफ से। तो इन्हें इस तरह पलट पलट कर हम सेक लेंगे। अगर आप बिल्कुल हल्की आंच पे कर रहे हैं तो आप हल्की सी इसमें लिड लगा के इसे थोड़ी देर रख के भी सेक सकते हैं, लेकिन मॉर्निंग में थोड़ी जल्दी होती है तो मैं इन्हें जल्दी जल्दी पलट के सेक रही हूँ। पर ध्यान रखेंगे कि अंदर से अच्छे से कुक हो जाए। बाकी के पैनकेक को भी हम इसी तरह इसमें डाल देंगे। अगर आपके पास तवा बड़ा है या पैन बड़ा है तो आप 2 से ज्यादा भी पैनकेक एक साथ सेक सकते हैं। और ये हम थोड़ा छोटे साइज से बना रहे हैं तो ये बच्चे को बहुत अट्रैक्ट करते हैं, उनको अच्छा लगता है खाने में इस तरह के पैनकेक्स जो दिखने में भी क्यूट होते हैं थोड़े से। ये दोनों तरफ से रेडी हो चुके हैं तो हम ये ले लेंगे प्लेट पर। और यहां पर मैं इन्हें टमाटो केचप के साथ सर्व कर रही हूँ। आफ्टर स्कूल भी आप बच्चों के लिए गर्मा गर्म बना सकते हैं, बच्चे बहुत पसंद करते हैं। और अगर आप टिफिन में दे रहे हैं तो ये बहुत लंबे टाइम तक सॉफ्ट रहते हैं और काफी अच्छे और फ्रेश, तो बच्चे आराम से इन्हें खा लेते हैं। हल्के से माइक्रोग्रीन मैंने रखे हैं ताकि अच्छा सा कलर कंट्रास्ट आए। और इस तरह हमारे ये जुकीनी पैनकेक बिल्कुल रेडी है, काफी यमी है और हेल्दी भी, तो आप ये जरूर ट्राई करें। सेकेंड जो रेसिपी है वो है बथुआ की पूरी। यहाँ पर मैंने बथुआ लिया था 1 कप, इसे वॉश करके इस तरह बॉईल कर लिया है और साथ में इसमें हम डालेंगे थोड़ी सी जिंजर, थोड़ी सी चिली और इसका एक पेस्ट बनाएंगे। हमने पूरी के लिए डो बनाना है तो मैंने 1 कप यहाँ पे आटा लिया है जिसमें मैंने क्रश करके अजवाइन डाला है, साथ ही नमक ऐड करेंगे, साथ ही थोड़ा सा चाट मसाला
और जो प्यूरे हमने रेडी किया है उसको इसके साथ मिक्स कर देंगे। अभी इसे इसी तरह आटे में मिक्स करेंगे। इस तरह का जो पूरी बनती है वो बच्चे ऐसे भी सूखी खाना पसंद करते हैं, तो इसमें फ्लेवर आप अच्छे से डालें जो बच्चे पसंद करते हो। और अब हल्के गर्म पानी से इसका डो बना लेंगे। जैसे पूरी के लिए डो बनता है बिल्कुल वैसे ही इसका डो बनाना है। ये डो रेडी है तो हल्का ऑयल लगा के इसे छोड़ देंगे थोड़ी देर, ताकि थोड़ा सा और सॉफ्ट हो जाए। ये देखिए डो हमारा रेडी है एकदम परफेक्ट। और इस तरह आप डो रात में भी बना के रेडी करके रख सकते हैं और मॉर्निंग में इससे पूरी बनाइए, बहुत अच्छी बनती है और काफी टाइम भी बचता है। तो इस तरह हम इसे छोटी छोटी लोइयां तोड़ लेंगे जिस साइज की हमने पूरी बनानी है। साथ ही हम ऑयल हीट अप करने के लिए रख देंगे और अब हल्का सा ऑयल लगा के हम ये पूरियां बेल लेंगे। विंटर्स है तो ऑयल को गर्म होने में टाइम लगता है, तो हम सबसे पहले पूरियों को अच्छे से बेल लेंगे, साथ ही ऑयल को हीट अप करने भी रखा है। और जब सारी पूरियां बेल जाएंगी उसके बाद ही हम इन्हें सेक लेंगे सबको साथ में। तेल हमारा गर्म हो चुका है, इसे चेक कर लेंगे। और अब इसमें वन बाय वन हम सारी पूरियों को तल लेंगे। ये देखिए काफी अच्छी फूल रही हैं पूरियां। इस तरह की पूरियां बना के आप किसी भी सब्जी के साथ ब्रेकफास्ट, लंच कभी भी या विंटर्स में दे दीजिए, बहुत अच्छी लगती हैं और काफी न्यूट्रिशियस भी हैं। और मैंने यहाँ पे बथुआ यूज किया है, आप इसकी जगह पालक यूज कर सकते हैं, चुकंदर ऐड कर सकते हैं। तो जो काफी हेल्दी सारी चीजें हैं जो बच्चे वैसे खाना नहीं पसंद करते, आप इस तरह डो में उन्हें मिक्स करके बनाइए तो बच्चे बहुत पसंद करेंगे। साथ ही थोड़ा सा चेंज भी लगता है तो बच्चे चेंज बहुत पसंद करते हैं। इस तरह ये सारी पूरियां हमारी रेडी हो गई हैं। मैंने यहाँ पर मिक्स वेजिटेबल बनाई है तो उसके साथ ये पूरियां टिफिन में दे रही हूँ। आप किसी भी और वेजिटेबल के साथ ये पूरी सर्व कर सकते हैं या फिर बच्चों को उसमें रोल बनाकर दे सकते हैं। आफ्टर स्कूल अगर बना रहे हैं तो इस तरह चटनी और सब्जी के साथ आप सर्व कर सकते हैं। नेक्स्ट रेसिपी है वेजिटेबल पुलाव। और विंटर्स में इतनी सारी वेजिटेबल्स होती है कि आप उन्हें पुलाव में एड करके बच्चों को खूब खिला सकते हैं। इसमें हम थोड़ा सा रेड चिली डालेंगे, नमक डालेंगे, विनेगर और सोया सॉस। इसे मैं रायते के साथ सर्व करूंगी। यहाँ पर एक वॉक को हीट अप कर लिया है मैंने, उसमें हम एक चम्मच ऑयल डालेंगे। जैसे ही ऑयल गर्म होता है इसमें हम थोड़ा सा जीरा डाल देंगे। आप इसमें कुछ खड़े मसाले भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर डायरेक्टली सब्जियां डाल रही हूँ। मैंने यहाँ पर कॉलीफ्लावर लिया है, कैरेट लिया है, कॉर्न और पीस लिया है, थोड़े से स्प्रिंग अनियन इसमें डाले हैं। आपके पास जो भी सब्जी अवेलेबल हो वो आप इसमें डाल सकते हैं। और विंटर में सब्जियां बहुत रहती हैं तो जो भी आप डालना पसंद करें आप मैक्सिमम सब्जियां इसमें डाल के बना सकते हैं इसे। इसे मिक्स कर लेंगे इस तरह। और अब इसमें हम ऐड करेंगे सॉल्ट, एक बड़ा चम्मच मैंने नमक डाला है क्योंकि चावल भी इसमें जाएगा, तो उसके हिसाब से आप नमक इसमें डालिएगा। थोड़ी सी रेड चिली डाली है इसमें। अब मैंने यहाँ पे सोया सॉस एक चम्मच और एक चम्मच विनेगर को मिक्स करके इसमें डाला है। और ये सारी चीजों को हम मिक्स कर लेंगे। और अब आंच को हल्का करके हम इसे लिड से कवर कर लेंगे और 4 से 5 मिनट के लिए इसे कुक होने रखेंगे। और 4 से 5 मिनट के बाद ही देखिए सब्जी हमारी सॉफ्ट हो गई है। मैं यहाँ पे एग भी यूज कर रही हूँ, तो मैंने एक एग लिया है जिसे इसमें तोड़ लेंगे और अब इमीडिएटली इसे हिला लेंगे ताकि अच्छा सा क्रम्बल इसमें आ जाए। और सब्जियों के साथ अच्छे से मिक्स हो गया है तो इसमें हम चावल ऐड कर देंगे, बॉइल्ड राइस या फ्रेश या लेफ्ट ओवर जो भी आपके पास है आप यूज कर सकते हैं।
अगर आप चावल नहीं यूज करना चाहते तो आप उसमें बॉइल्ड नूडल भी डाल सकते हैं, उसका भी टेस्ट बहुत अच्छा आता है, बच्चे बहुत पसंद करते हैं। तो इस तरह हमारे राइस एकदम रेडी है और काफी कलरफुल भी है, तो बच्चों को बहुत पसंद आएगा। मैं यहाँ पर इसे बूंदी के रायते के साथ सर्व कर रही हूँ। नेक्स्ट जो रेसिपी है वो है आलू की रोटी। यहाँ पर मैंने 1 कप लिया है आटा और 2 कप मैंने यहाँ पर बॉइल पोटैटो लिए हैं जिसे मैश कर लिया है, नमक लिया है, जिंजर गार्लिक का पेस्ट, साथ ही हरा धनिया और ग्रीन चिली। यहाँ पर जो आटा है उसमें हम ये सारी चीजें मिक्स कर लेंगे, खूब सारा धनिया इसमें ऐड करेंगे और इसमें नमक ऐड करेंगे। आप कुछ और फ्लेवर भी इसमें डालना चाहें तो आप डाल सकते हैं, मैं इसे थोड़ा सिंपल ही रख रही हूँ। यहाँ पर जो हमने आटा लिया है वो हमने जो आलू लिए हैं उसका हाफ रखा है, क्योंकि ये आलू की रोटी है तो ऑब्वियसली इसमें आलू की क्वांटिटी ज्यादा होनी चाहिए, तो यहाँ पे आलू ज्यादा है इसमें। और अभी हमने मैश कर लिया अच्छे से, इसको मिक्स कर लिया आटे के साथ, और अब हल्का हल्का पानी डाल के हम इसका डो बनाएंगे, क्योंकि पोटैटो में भी कई बार मॉइस्चर काफी रहता है, तो उसके अकॉर्डिंग ही आप उसमें पानी ऐड करें। और ध्यान रखें थोड़ा टाइट सा ही आटा गूंथें, क्योंकि अगर थोड़ा सा हम इसे छोड़ेंगे तो ये पानी भी छोड़ेगा, तो डो जितना टाइट रहेगा उतना हमारे पास मार्जिन रहेगा कि अगर वो थोड़ा सा गीला भी होता है तो हम इसे इजीली बना सकते हैं। तो इस तरह हमारा डो रेडी है, इसे रेस्ट करा लिया है थोड़ी देर। अब इसमें ऑयल लगा के हम इसे और थोड़ा सॉफ्ट करेंगे और उसके बाद हम इसकी रोटियां रेडी करेंगे। नॉर्मल रोटी से थोड़ा साइज में बड़ा रखेंगे, हमने तवा गर्म करने रखा है और एक बड़ी सी लोई मैंने इसमें से तोड़ ली है। अब जितना मोटा बनाना चाहे पराठा उतना बड़ा और मोटा बना सकते हैं, क्योंकि इसको हम कट करके सेकेंगे तो वो इवनली कुक हो जाएगा, तो इतना आपको ज्यादा सोचना नहीं कि बहुत पतला इसे रखना है, और ये इजीली बिल जाता है क्योंकि ये मोटा है थोड़ा सा। ये देखिए इस तरह मैंने इसको बेल लिया है और अब इसे हम कट कर लेंगे पिज्जा कटर की हेल्प से। और अब तवे को भी हल्का सा हम ऑयल कर लेंगे, क्योंकि इसे हल्का सा हम पराठे की तरह सेकेंगे ताकि वो अच्छा सा क्रिस्प हो जाए, जो पोटैटो उसमें है उसका क्रिस्पी बनाए, इसमें बाहर से जो कवरिंग है वो क्रिस्प रहे और सॉफ्ट रहे अंदर से। तो इस तरह पीसेस को हमने तवे पे सेकने रख दिया है, साथ ही दूसरा पराठा भी हम इसी तरह बेल लेंगे। अगर आप ऑयल नहीं लगाना चाहते तो आप बिना ऑयल के भी इसे सेक सकते हैं, पर ऑयल से इसमें काफी अच्छा क्रंच आता है बाहर से और अंदर से तो ये सॉफ्ट होती ही है। ये आलू के पराठे की तरह ही है, बट ये आलू के पराठे से बिल्कुल डिफरेंस का टेस्ट आता है, क्योंकि इसमें आलू की क्वांटिटी काफी अच्छी है और इसमें बनाने का मेथड भी बिल्कुल डिफरेंट है आलू के पराठे से। तो आप ये जरूर ट्राई करें, और बच्चों को बहुत पसंद आता है। इस तरह ये ट्रायंगल्स हम निकाल लेंगे, ये अच्छे से कुक हो चुके हैं और बाकी हम जो हमने बनाए हैं वो हमने एक साथ ही तवे पे डाल दिए हैं। तो देखिए एक साथ काफी सारे पीसेस रेडी हो गए हैं। यहाँ पर मैं इसे टिफिन में रख रही हूँ। यहाँ पर मैंने तिल चिक्की के साथ इसे सर्व किया है। बच्चों को इसके साथ आप सॉस एडिशनल दे सकते हैं, बट इसमें काफी अच्छे फ्लेवर होते हैं तो ये बच्चे ऐसे ही से खा लेते हैं। आप इसका जैम भी लगा के दे सकते हैं, ये आपकी चॉइस है, ये बच्चा जो पसंद करता है उस तरह से। होप आपको मेरी ये रेसिपीज पसंद आई हो। आगे मैं कुछ नई रेसिपीज लेके आपके साथ आती रहूंगी। अपना फीडबैक जरूर शेयर करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।